जा तुम खुश रहना। सोए नहीं अभी तक? अरे सोमी, आज की रात मुझे नींद आ सकती है क्या? इस वक्त मैं आसमान को देख रहा हूँ, कितनी रौनक है आसमान पर पता है, मतलब पूरा चांद दिखाई दे रहा है और हर तरफ सितारे ही सितारे। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आसमान आज मेरी खुशी में मेरा साथ देने की कोशिश कर रहा है। बल्कि तुम भी बाहर निकल के जरा चेक तो करो। मैं तो रोजाना देखती हूँ, रोज चांद आता है और ये सितारे भी। अरे यार, तो ऐसी बातें क्यों करती हूँ, मुझे मोमेंट तो एंजॉय करने देती। हातिम, अभी सिर्फ निकाह हो रहा है, सारी खुशी आज ही बना लोगे? बस एक दफा हमारा निकाह हो जाए ना, मैं तो अम्मी के पीछे पड़ जाऊंगी कि बस रुखसती की डेट फाइनल करते हैं। पुप्पो को तंग मत करना। अच्छा, बड़ी हमदर्दी हो रही है पुप्पो से इस वक्त। इंसान बन जाओ। अच्छा यार, एक बात बताओ, तुमने मेहंदी के लिए मना क्यों कर दिया? पता है, अगर तुम मना नहीं करती ना, तो इस वक्त तुम्हारे हाथों में मेरे नाम की मेहंदी लग चुकी होती। हाँ जी जनाब, हो गए तैयार? हाँ तैयार हूँ यार। यार ये क्यों तैयार हो, पता तो लगे कि तुम दूल्हा हो। उठो उठो, इधर आओ, ये पहनो। मैं बताता हूँ कैसे होते हैं तैयार। मत करते हो यार, तुम भी इधर दिखाओ। ये मेरा भाई, ये हुई ना बहुत, अब लग रहा है मेरा भाई दूल्हा। इधर आओ, चेक करो, है ना? नुमान जी। पप्पो। नुमान बेटा, जरा पता तो करो, राहिला भाभी तैयार हुई नहीं हुई? शाइस्ता से तो मेरी बात हो गई है, वो आ रही है। वो तो मैं पता कर लूंगा पप्पो, लेकिन एक बात बताएं मुझे कि अभी आपके बेटे की मंगनी है और माशाल्लाह से ये आलम है कि आप पहचानने भी नहीं आ रही, जब बेटे की बारात होगी तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा अकलौता बेटा है भाई, अपने दिल की खुशी तो बस सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बिल्कुल, जरा तुम पता करो ना घर वालों का। मैं पता करता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह मेरे बेटे को हर बुरी नजर से महफूज रखे, हमेशा खुश रखे। ओफो, इतनी तैयारी। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या देख रहा हूं? देख भी रहा हूं और सोच भी रहा हूं कि दोबारा मंगनी कर लूं। किससे? अब किसी और से तो तुम करने ही नहीं दोगी। अच्छा, बहुत ज्यादा शौक चढ़ा है अब किसी और से मंगनी करने का। हा? तो मैं और क्या करूं, इतनी हसीन जो तुम लग रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हें ऐसे देख के हातिम क्या बोलेगा? क्या? कि उसकी मंगनी है, कम तैयार हो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तैयार हो गई आप? मैं तो कब की तैयार हो गई, बस राहिला का इंतजार कर रही हूँ। आइए। राहिला का? जी। तो क्या राहिला भी जा रही है? जी जी, बल्कि माशाल्लाह मेरी बहू के सबसे ज्यादा एहतमाम है। अच्छा आप 2 मिनट बैठे, मैं राहिला को भेजती हूँ, 5 मिनट में नमाज पढ़ लो। है राहिला? राहिला बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आ गई आप, कैसी लग रही हूँ मैं? तुम क्यों साथ चल रही हो? क्या मतलब है? इतने एहतमाम से तैयार तो तुम कभी नुमान के लिए भी नहीं हुई, फिर आज क्यों?
अब इनकार करती तो सबको बुरा लगता ना। सब सोचते कि हातिम की मंगनी से शायद राहिला खुश नहीं है। राहिला तुम्हें साथ नहीं चलना चाहिए, हातिम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तो जा रही हूँ, उसे अच्छा लगे या बुरा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो फहमीदा खाना और नमान ने इसरार किया था कि मैं जरूर जाऊँ, इसीलिए जा रही हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं कि हातिम के नसीब में है कौन। तुम्हारे समझ में बात नहीं आ रही है, कह दिया ना कि तुम नहीं जाओगी बस। क्यों पप्पू, क्यों नहीं जाएगी? नहीं बेटा, वो मैं तो ये कह रही थी कि इसको साथ नहीं चलना चाहिए, घर पे रुकना चाहिए। पप्पू घर पे रह के क्या करेगी? बेटा खाने का एहतमाम करना होगा ना, क्या पता हमें वहाँ कितनी देर लग जाए। अरे वो सब कुछ हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। हातिम की बड़ी भाभी है, अच्छा थोड़ी लगेगा अगर घर पे रुके। ठीक है, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग आ जाएं। सुना उसने क्या कहा? चल रही हो तो भाभी बनकर चलना, समझी?